दोस्तों रिसेंटली जेवीसी ब्रांड ने अपनी 6 नई टीवीयां लॉन्च की थी, जिसमें फुल एचडी 4K सारी टीवीयां थी। तो उसका वीडियो मैंने बनाया होगा, आप यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ वीयू ने भी अपनी 3 नई सीरीज लॉन्च की थी, उसका भी वीडियो मैंने बनाया, वो लिंक आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इनके नई टीवीज में, जो 4K टीवीज है, इसमें 43 इंच वाली जो टीवी है उसको कंपेयर करेंगे जेवीसी और वीयू ब्रांड से, और बताएंगे आपको सारे डिटेल्स और क्या आपको ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जेवीसी की 43 इंच की 4K टीवी और वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड 43 इंच की 4K टीवी के डिफरेंसेस जानने के पहले हम जान लेते हैं कि दोनों टीवी आपको सेम चीज क्या दे रही है। तो दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलते हैं। इसी के साथ साथ 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवी में आपको देखने मिल जाएगा, और दोनों ही टीवी 2019 में लॉन्च हुई है हाल ही में, और दोनों ही टीवियों में आपको A+ ग्रेड का IPS पैनल देखने मिलेगा। तो और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो जेवीसी की टीवी आपको मिल जाती है 23,500 रुपए में, और वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 43 इंच वाली आपको मिल जाएगी 31,000 रुपीज की। तो दोनों में 7,500 रुपए का डिफरेंस, 7,500 रुपए का डिफरेंस दोनों ही टीवियों में। तो आपको 7,500 रुपए देना क्या वर्थ है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और आगे डिटेल में बताएंगे कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। तो पहला डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से इसमें, जेवीसी की टीवी में आपको 350 निट्स का ब्राइटनेस लेवल देखने मिल जाएगा, और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू की टीवी में, तो वीयू में आपको 450 निट्स का ब्राइटनेस लेवल देखने मिल जाएगा। तो दोनों ही टीवी में 100 निट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वीयू एक प्लस पॉइंट लेके चल रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो वीयू जेवीसी की जो टीवी है उसमें आपको 2:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू की टीवी की, तो वीयू में आपको 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इस टीवी में देखने मिल जाएगा। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेसिकली एक ऐसा फीचर है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपके टीवी का सबसे वाइट पार्ट और सबसे ब्लैक पार्ट, या पिक्सल बोल सकते हो, दोनों को कंपेयर करके अच्छे रिच डीप वाइट एंड ब्लैक्स प्रोड्यूस करता है। तो वीयू की टीवी में आपको अच्छे वाइट और ब्लैक डीप्स कलर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन वीयू की टीवी प्लस पॉइंट में चल रही है, तो 2 पॉइंट वीयू के लिए। तो बात कर लें जेवीसी की इंटरनल स्टोरेज की, तो जेवीसी की टीवी में आपको 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलेगा। और बात करूं मैं वीयू की टीवी की, तो वीयू की टीवी में आपको 1.7 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वीयू वापस से प्लस पॉइंट में चल रहा है, तो वीयू के लिए 3 पॉइंट हो गए। ध्यान दीजिए, ध्यान से नोट करना इस पॉइंट्स को। दोस्तों अगला पॉइंट होगा कि जेवीसी की टीवियों में आपको अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है, लेकिन आपको वीयू की टीवी में अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स नहीं चलने वाला। हाँ, आप साइड लोड कर सकते हो या फिर बोल सकते हो अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑफिशियली एडेड नहीं होगा, प्री इंस्टॉल आपको वीयू की टीवी में देखने नहीं मिला, क्योंकि ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है वीयू की। तो बात कर ले जेवीसी की रिमोट की, तो जेवीसी में आपको एक RF रिमोट मिलता है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू में, तो वीयू में आपको एक वॉइस एनेबल रिमोट मिलता है, तो उसके साथ साथ टीवी में आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, और क्रोमकास्ट और सारी फीचर्स आपको इनबिल्ट आपको इस टीवी में देखने मिलेंगी, और जेवीसी में आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलने वाला। तो अगेन यहाँ पे वीयू वापस से लीड कर रहा है। बात कर ले इसके साउंड आउटपुट की, तो जेवीसी की टीवी आपको दे रही है 40 वॉट का स्पीकर, और वीयू की टीवी में आपको मिल रहे 20 वॉट का स्पीकर। तो यहाँ पे जेवीसी का एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास 40 वॉट का स्पीकर दे रही है, तो 20 वॉट का स्पीकर ज्यादा है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं वीयू की टीवी, तो वीयू में आपको डॉल्बी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हालांकि जेवीसी में ऐसा आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों बात कर ले टीवी की डिजाइन की, तो जेवीसी की टीवी के जो बीजल्स है काफी मोटे हैं, काफी थिक है, लेकिन दूसरी तरफ मैं वीयू की बात करूं तो वीयू में जो उसकी जो बीजल्स है काफी पतले हैं और स्लीक डिजाइन आपको देखने मिलेगा, तो एक और अच्छा एक फैक्टर होगा दोनों ही टीवी को कंपेयर करने के लिए डिजाइन वाइज।
तो दोनों ही टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है। दोस्तों आप 7,500 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं समराइज करूँ तो मुझे लगता है वीयू की टीवी ज्यादा है अच्छी है एज कम्पेयर टू जेवीसी, क्योंकि वहां पे आपको ब्राइटनेस लेवल, स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट है जो हर पॉइंट में वीयू लीड कर रहा है, उसके फीचर्स काफी अच्छे है, डिजाइन भी उसकी अच्छी है, उसी के साथ साथ आपको रैम भी अच्छा मिल रहा है, ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, लेटेस्ट एंड्रॉइड ओरियो आपको देखने मिलेगा इस टीवी में, वॉइस एनेबल रिमोट है, ब्लूटूथ है। तो ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हो मुझे लगता है कि 7,500 रुपए देना एक्स्ट्रा इस टीवी के लिए वर्थ है। तो अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपका कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की 43 इंच वाली टीवी ले सकते हो और ये एक 4K टीवी है। तो फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए या फ्यूचर प्रूफ को ध्यान में रखते हुए हमें 4K टीवी ही लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि जेवीसी की टीवी ले या वीयू की, तो आपका बजट ध्यान में रखते हो, अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है 23,000 या 24,000 के आसपास आपको टीवी लेनी, तो जेवीसी की टीवी बुरी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको डिफरेंसेस बताए कि क्या क्या आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टीवी में मिल जाएंगे अगर आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हो वीयू टीवी के लिए। अगर आपका बजट 23-24 हज़ार का है तो आप जेवीसी की टीवी ले सकते हो, दोनों ही टीवी काफी अच्छी है। तो दोस्तों यही थे सारे डिफरेंसेस दोनों ही टीवी के बारे में, जेवीसी के भी और वीयू के। तो आपको कौन सी टीवी अच्छी लगी या आप कौन सी टीवी लेने का प्लान कर रहे हो, या इसके अलावा ये दोनों ब्रांड के अलावा और आपके मन में कोई सवाल या कोई भी सुझाव हो और दूसरी टीवी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं हमारे हैप्पी गेट फैमिली को, हमारी हैप्पी गेट चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेल आइकन दबा देना डन, जिससे मेरी जब भी वीडियो आए आपको फट से आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गेट, बाय बाय।